हाय दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त योगेंद्र पवार। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके विद योगेंद्र पवार में। जैसे कि फ्रेंड्स, आपको मैंने बताया था कि जो रीट लेवल सेकंड की सुनवाई आज स्टार्ट हो गई थी 2 बजे, उसको लेकर मैंने वीडियो बनाई थी, शायद आपने देख ली होगी। और दोस्तों, आपको किसी भी तरीके से आपको ये न्यूज़ मिल गई होगी थी कि 2 बजे स्टार्ट होगी आपकी। तो दोस्तों, ये सुनवाई आपके चली है लगभग 2 बजे के आसपास स्टार्ट हो गई थी। और दोस्तों, बहुत देर तक आपकी सुनवाई चली है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा इससे पहले कि अब कोई सुनवाई नहीं होगी। ये सब फ्रेंड्स सोच रहे होंगे कि और सुनवाई होगी और डेट देंगे, आपके डेट का सिस्टम सब चला जाए। अब ना तो डेट है और ना ही कोई सुनवाई की कोई आपको खबर मिलेगी। अब जो खबर मिलेगी वो आपको केवल फैसले की खबर मिलेगी, क्योंकि दोस्तों आज सुनवाई पूरी हो चुकी है और सुनवाई दोस्तों वापस अपनी होगी। तो दोनों का पक्ष सुन लिया गया, सरकार का पक्ष और बच्चों का पक्ष, और जो भी मतलब कमलेश कुमार मीणा के जो वकील है विजय चौधरी, उसका भी पक्ष सुन लिया गया। अब जो फैसला है वो आपको बताना चाहूँगा। फैसला अभी तक आया नहीं है दोस्तों, ये जो फैसला है वो सुरक्षित रखा गया है दोस्तों। उसको लेकर जो उपेंद्र यादव ने पोस्ट शेयर की वो आपको बताना चाहूँगा। फेसबुक पेज पर उपेंद्र यादव ने एक पोस्ट शेयर की है, रीट सेकंड लेवल 2 की हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, कोर्ट ने फैसले को किया सुरक्षित। तो दोस्तों, जो कोर्ट ने फैसले को अभी तक सुरक्षित किया, मतलब हम कोई नहीं कह सकते कि स्टे हटा या पेपर रद्द होगा। अब फैसला सुरक्षित है और जल्द ही बेरोजगारों की होगी जीत, हमारा पक्ष रहा मजबूत, उपेंद्र यादव, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ। तो मतलब इसमें एक पॉइंट अच्छा लिखा उपेंद्र जी ने कि जो जल्द ही बेरोजगारों की होगी जीत, हमारा पक्ष रहा मजबूत। दोस्तों, इसका मतलब स्टे आपके हट जाएगा। अब ये फैसला देते जज साहब बी एस सिराधा जी, अब कब देते, क्योंकि किसी एग्जाम में आपने देखा होगा स्टे हटता तो उसके बाद में स्टे लगता है किसी भी एग्जाम पे। तो दोस्तों, स्टे हटता है या पेपर रद्द होता है उसको लेकर जो फैसला है वो अधिकतर सुरक्षित रखा जाता है, उसके बाद में फैसला दिया जाता है। तो दोस्तों, ये फैसला सुरक्षित रखा गया, उसके बाद में एक दो दिन बाद में देते हैं फैसला, या ज़्यादा समय भी लग सकता है। लेकिन आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, सुनवाई है वो सुनवाई आपके नहीं होगी, मतलब सुनवाई का समय चला गया, आप जो समय होगा वो आपके फैसले के अंतिम घड़ी का होगा आपके। तो दोस्तों, ये आज की लेटेस्ट न्यूज़ थी, सुनवाई पूरी हो चुकी है, आप भरे में ना रहे कि वापस सुनवाई होगी आपके। तो सुनवाई का समय चला गया, अब आपके जो फैसले आएगा वो 2-3 दिन में या कल भी आ सकता है, और 4 बजे के पहले भी आ सकता है। तो दोस्तों, ये आज की लेटेस्ट न्यूज़ थी, आऊँगा एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, आप भी अपने कमेंट दें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।